गाइस ये क्लिप उठा ही देखना, ये देखिए क्लिप आउट कितना थिक है और ये बहुत ही सस्ता है गाइस, ये 1 रुपीज़ में मुझे मिला है। ये देखो कितना प्यारा है, कितना थिक है ना गाइस, कितना प्यारा है। तो आज हम इसको वेट करेंगे, ठीक है। और ये मैंने लिया है ग्रीन कलर का और इसके अंदर हमने ये रख दिया, ठीक है गाइस। ये देखो अब हम क्या करेंगे, ये देखो इसमें हम डालेंगे पानी, ये देखो इसका कलर भी चेंज हो गया, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। और ये वेट हो गया, इसमें वेट कर दिया है हमने इसको पानी में, ये देखो गाइस। और माइक नहीं है मेरे पास, मैं इसकी साउंड सुनवाती, इसमें साउंड आ रही है, ये देख रहे हो आप, ये साउंड आ रही है इसके अंदर से, क्ले की साउंड आ रही है, ये देखो बबल्स देख रहे हो आप कैसे, ये क्ले पॉट जो है पानी को सोख रही है। अगर हम इसको खाएंगे तो ये हमारे ब्लड को भी ऐसे ही सोखता है, क्योंकि मिट्टी है, मिट्टी तो ऑब्जर्व करती है ना, चाहे ब्लड हो चाहे पानी हो। ये देखो ये देखो ये देख रहे हो गाइस, ये देखो ये देखो इधर से पानी पी रही है ये, देखो देख रहे हो गाइस। तो मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, क्लीनिंग वीडियो बनाई है मैंने इसकी। आप सोच रहे होंगे कि आप क्या करने वाले हो, तो मैं इसका क्रंच नहीं करूँगी फ़िलहाल, तो मैं इसकी क्लीनिंग वीडियो बना रही हूँ। आजकल बहुत ट्रेंड में है क्ले की क्लीनिंग वीडियो, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, सब लोग बना रहे हैं, तो मैंने भी सोचा चलो मुझे ये चाहिए था यूज़ करना है, तो मैंने सोचा मैं भी इसकी क्लीनिंग वीडियो बना लूँ। अच्छा लग रहा है ना। और गाइस कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, वाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि मिट्टी है ना, मिट्टी के अंदर से सबसे ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। स्लेट आइटम में भी इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती जितनी मिट्टी के आइटम में आती है। स्लेट आइटम भी एक क्ले है लेकिन इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती, ओरिजिनल क्ले ये होती है गाइस, ये वाली ओरिजिनल क्ले है, ये देखो कितने थिक है ना, ये ओरिजिनल क्ले, इसकी खुशबू सबसे अच्छी होती है। ये देखो जब ये कच्ची मिट्टी होती है तब भी ये खुशबू वाली होती है, और ये अब इसको पका दिया है भट्टे में तब भी इसकी खुशबू बहुत अच्छी है क्ले पॉट की, ठीक है गाइस। अब इस क्ले पॉट का हम क्या करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ। सॉफ्ट हो गया गाइस, ये पानी में रखने से ना ये सॉफ्ट हो जाता है, ये देखो ये वैसे हार्ड लग रहा था लेकिन अब मैंने पानी में डाल दिया, तो अब इसको अगर मैं तोड़ूंगी तो इसमें क्रंची साउंड बहुत कम आएगी, क्योंकि ये वेट हो चुका है, तो वेट में क्रंचिंग साउंड ज़्यादा नहीं आती है, ये हमने वेट कर लिया है और बहुत अच्छी खुशबू आती है, ठीक है गाइस। तो अब मैं इसका क्या करूँगी, अब आप देखो ये अच्छे से क्लीन हो गया, मैंने बहुत अच्छे से सफाई कर दी है इसकी गाइस। देखो इसको देखो प्यार से, लेकिन खाने की मत सोचो गाइस, ये पानी पी रहा है ना तो मेरे हाथ में ना अजीब सा हो रहा है, इसे पानी डाला ना ये बड़ा अच्छा लग रहा है नीचे से, इसका जो पिछवाड़ा है ना पीछे से, इसमें से बड़ा अच्छा बबल सा निकल रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था, ये देखो यहाँ पे ना पानी पी रहा है ये, अभी अभी भी पानी पी रहा है ये, ऐसे पीता है ये ब्लड, ये देखो जैसे पानी पी रहा है ना, क्योंकि मिट्टी जो है प्यासी होती है, ये देखो पानी में डालने से पूरा सोख जाती है, ये देखो ये पानी सोख रहा है, देखो गाइस ये देखो
और ये पहले से साफ है, गंदा नहीं है। देखो पानी मेरा बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ। बहुत से क्रंचर्स के क्ले पॉट इतने गंदे होते हैं, वो पानी में धोते हैं ना पानी काला हो जाता है। ये देखो मैंने आपके सामने फ्रेश पानी लिया है और देखो कितनी देर से मैंने पानी में डिप किया, पानी बिल्कुल भी ब्लैक कलर का नहीं हुआ, ना रेड कलर का ना ब्लैक कलर का। ये देखो पूरा नीट एंड क्लीन है पानी, देखो। चलो भाई बहुत देर हो गया, अब इसको बाहर निकाल लेते हैं, नहीं तो फिर हमारा भी कुछ मन कर जाएगा उल्टा सीधा कुछ करने के लिए इसके साथ। ठीक है गाइस, तो बाहर निकाल लेते हैं इसको। ठीक है चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय नई वीडियो के साथ। और अब ये किसी क्रंचस के पास सोच रही हूँ भेज दूँ, वेट हो गया बेचारे खा लेंगे, है ना गाइस, वो खा लेंगे, उनका बहुत मन होता है। तो देखते हैं किस क्रंचस के साथ हमारी सेटिंग होती है, उसी के पास भेज देंगे। ठीक है गाइस, ओके बाय बाय। चलो बाय।